वर्सेस रमैया 1882 द केस चिनय वर्सेस रमैया अपेयर्ड बिफोर द मद्रास हाईकोर्ट एंड डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिविटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है स्ट्रेंजर टू द पार्टी कैनॉट सू। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। सो इस केस के फैक्ट्स ये है कि वुमेन ने प्रॉपर्टी गिफ्ट किए डॉटर को गिफ्ट डेड में और कंडीशन रखा कि डॉटर जो वुमेन के सिस्टर है उसको एनुअली 653 रुपीज़ पे करेंगे। डॉटर ने रिफ्यूज़ किया क्योंकि वो डॉटर ने एग्री किया पहले और बाद में रिफ्यूज़ किया स्ट्रेंजर को पे करने को। सो द स्ट्रेंजर हु इज़ द वुमेन्स सिस्टर फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द डॉटर। कंटेंशन रेज बाय द पार्टीज। सो यहाँ पे तीन पार्टीज थे, पहले तो प्लेंटिफ वुमेन सिस्टर, डिफेंडेंट डॉटर और पहली वुमन। सो द प्लेंटिफ ने ये कंटेंशन रेज किया कि डिफेंडेंट ने प्रॉमिस किया हुआ पैसा नहीं दे रही है और डिफेंडेंट का कंटेंशन ये था कि डिफेंडेंट कह रहा है कि ये कंसिडरेशन ही नहीं है प्लेंटिफ के तरफ से, तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो ये एग्रीमेंट वॉइड है, अनएनफोर्सेबल है और जो प्रॉपर्टी गिफ्टेड है थर्ड पार्टी इज़ नॉट ए कंसिडरेशन अंडर द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। वेदर द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ इशू वॉज रेस्ड, इशू रेज ये हो गया कि वेदर द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन अप्लाइज इन द केस और नॉट, दैट इज whether the defendant is liable to pay an annual amount to the plaintiff against the gift of the property by the third party। मतलब issue रेज हुआ कि rule of privity of consideration that is contract to stranger to the contract cannot sue, ये rule apply होता है कि नहीं, ये issue रेज हुआ। so इसका judgment so judgment was delivered according to the judgment according to the court observed in this case original contract is between old lady daughter and the plaintiff which is the stranger to the contract but in this case the consideration was indirectly paid by the mother to the daughter through the gift of the property। daughter liable hai isliye daughter liable hai to pay agreed sum of money to the sister of her mother। तो कोर्ट ने इसके रिलेटेड एक केस लॉ दिया डूटन वर्सेस पुलेन 1668 एंड हेल्ड दैट इंडिया में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन नहीं है एंड स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन सू फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द कोर्ट ऑल्सो इंटरप्रेटेड सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 व्हिच एक्सप्रेसली declares that the consideration can be paid by the promisee या किसी भी person। defendant को order किया कि annual sum pay किया जाए plaintiff को and case decide हुआ in favor of the plaintiff। इस case को कुछ criticism मिले by Pullock and Mulla gave to British important criticism of the judgment। judgment sidelines the section 2A, 2B, 2C of the Indian Contract 1870 and only gives importance to section 2D of that। मतलब ये साइडलाइन करता है 2A, 2B और 2C को और सिर्फ इम्पोर्टेंस देता है 2D को और इसमें इसके रूल gives stranger to the contract right to sue। stranger को right to sue का ये देता है, इम्पोर्टेंस देता है। इट कैन कॉज अननेसेसरी इम्प्लीकेशन प्रॉपर्स है। कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय द थर्ड पार्टी अनटिल द एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द बाय। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं किया जा सकता थर्ड पार्टी अनलेस ऐसे इट इज़ एक्सेप्टेड द प्रपोजल एक्सेप्टेड बाय द प्रॉमिसी।
तो हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि दिस केस लेज डाउन दैट इंडिया डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। इंडिया फॉलो नहीं करती रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कैन ओनली बी पेड बाय पर्सन हु इज द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वही पे कर सकता है। ऑल्दो द प्लांटी हैज़ नॉट पेड एनी कंसिडरेशन टू द डिफेंडेंट बट सिंस द कंसिडरेशन वॉज इनडायरेक्टली मूव्ड बाय द डिफेंडेंट्स मदर इट इज़ कंसिडर वैलिड। प्लांटिफ ने कंसिडरेशन पे नहीं किया था लेकिन फिर भी डिफेंडेंट डॉटर को उसके वुमन के प्लांटिफ डिफेंडेंट को प्लांटिफ को पे करना है क्योंकि उसके मदर ने कहा पे करने को और उसने एक्सेप्ट किया था। दिस केस लेज डाउन दैट कंसिडरेशन मे बी मूव्ड बाय स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर चेंजेस हैव बीन सजेस्टेड इन दिस रूल बाय द लॉ कमीशन रिव्यू ड्यू टू अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टीज हु पेड कंसिडरेशन। इट इज सजेस्टेड दैट ओनली सच केसेस मस्ट बी मेंटेनेबल वेयर द थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व इन द केस।